हेलो गाइस, टेक ब्लडेड की पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पाइथन जेसन। तो दोस्तों, जेसन क्या है? जेसन का यूज़ करके हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जेसन मीन्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये था सिंपल जेसन इंट्रोडक्शन। तो हम पाइथन में जेसन कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो पाइथन में जेसन के लिए बिल्ड इन लाइब्रेरी है, जिसको हम इंपोर्ट करके जेसन के साथ, जेसन डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार जेसन, हम जेसन को पाइथन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सिंपली जेसन का जो फंक्शन है लोड्स, इसका यूज़ करके हम जेसन को पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर दूंगा जेसन, जो कि बिल्ड इन लाइब्रेरी है। पाइथन में जेसन इंपोर्ट कर दिया। तो अभी देखिए, मैं एक जेसन क्रिएट कर देता हूँ, ए इक्वल टू एक डिक्शनरी ही कर देता हूँ। तो देखिए, एक जेसन मैंने कर दिया और इस जेसन के अंदर एक डिक्शनरी है। अगर मुझे इस जेसन को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, जेसन लोड्स इस मेथड का यूज़ करूँगा, उसे पाइथन की डिक्शनरी में कन्वर्ट करूँगा और उसे एज अ डिक्शनरी में आगे यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, पाइडिक्ट इस वेरिएबल में जेसन डॉट लोड्स और कौन सा जेसन, ए। अभी पाइडिक में ये स्टोर हो जाएगी, ये एज अ डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो हम पाइडिक्ट प्रिंट करेंगे तो ये है पाइडिक्ट। और अगर पाइडिक्ट का डेटा टाइप चेक करेंगे हम, पाइडिक्ट का डेटा टाइप है डिक। तो इस तरह हम जेसन को पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर लिस्ट हुई तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, टपल हुआ तो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जेसन के अंदर जो भी डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप पाइथन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम जेसन को पाइथन में लोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पाइथन का टाइप डेटा टाइप है, पाइथन से आपको जेसन में कन्वर्जन करना है, तो आप जेसन डॉट डम्प्स मेथड का यूज़ करके पाइथन को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ, ए तो ये मैंने डिक्शनरी बना ली, ए में स्टोर कर दी। और अभी मुझे इसे जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, जेसन स्ट्रिंग जेसन डॉट डम्प्स, और यहाँ जिस भी वेरिएबल को मुझे जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है वो वेरिएबल यहाँ डाल दूंगा। ये हो गए जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हमारी डिक्शनरी। देखते हैं अभी क्या है, जेसन एसटीआर में क्या डेटा है। तो ये है जेसन एसटीआर में डेटा। तो ये देखिए, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं, टाइप जेसन एसटीआर। तो देखिए, टाइप है एसटीआर। तो ये हमारी डिक्शनरी जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। यहाँ आप लिस्ट, टपल, सेट जो भी डाल देंगे वो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाइथन टू जेसन कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जेसन डम्प्स का यूज़ क्या है और जेसन लोड्स का यूज़ क्या है। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।